आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड मैपिंग का दूसरा क्लास। ठीक है, इस क्लास को देखने से पहले आप पिछले प्रीवियस क्लास जो है उसे देखें, तभी आगे समझ में आने वाला है। अगर आप पिछले क्लास नहीं देख पाएंगे तो एक क्लास आपको समझ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को देखने से पहले आप जो पिछला क्लास है वर्ल्ड मैपिंग का जो सीरीज चल रहा है उस पर पहला जो फर्स्ट वीडियो है वो देखें। ठीक है, उसके बाद फिर इस वीडियो में आए। ठीक है, उसमें हम लोग देख लिए थे कि वर्ल्ड का लोकेशन देख लिए थे, कितने कंटिनेंट थे, कंटिनेंट का देख लिए थे, है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, कहाँ तक आए थे हम लोग, सार्क कंट्री तक आ गए थे। सार्क कंट्री, ठीक है, सार्क कंट्री में हम लोग देख लिए थे, है ना। सार्क कंट्री में एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे सार्क कंट्री, सार्क कंट्री, सार्क में हम लोग देखे थे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, ये 8 कंट्री हैं जो सार्क में आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पहले साउथ का देखेंगे, फिर साउथ ईस्ट देखेंगे, फिर नॉर्थ देखेंगे, नॉर्थ एशिया हो गया, फिर वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, है ना। इसी पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग अलग जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सारे पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे। पहले एक कंप्लीट करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं सार्क कंट्री। सार्क कंट्री का अलग अलग जो 8 कंट्री हैं, ठीक है, 8 कंट्री देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सार्क। ठीक है, हम लोग देखते हैं सार्क। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे सार्क, ए अपना सार्क, सार्क, ठीक है, सार्क दिख रहे थे। देखिए सार्क क्या है, सार्क कुछ नहीं है, मैं पिछले क्लास बता दिया था, एक बार फिर रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, सार्क क्या है, सार्क क्या है कि साउथ एशियन, साउथ एशियन मतलब साउथ एशियन, ठीक है, साउथ एशिया के लोग एसोसिएशन, क्या किया बनाया है, एसोसिएशन बनाया है। साउथ एशियन के लोग आपस में क्या बनाया है, एसोसिएशन बनाया है, किसके लिए, फॉर रीजनल, रीजनल क्षेत्रीय कोऑपरेशन के लिए, कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, ये सार का फुल फॉर्म है, बहुत तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है सार का उसका फुल फॉर्म में। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए साउथ एशियन, साउथ एशिया के लोग ने आपस में एसोसिएशन बनाया, क्यों बनाया, क्षेत्रीय संगठन के लिए। ठीक है, क्यों बनाया, क्योंकि आपस में व्यापार जो है, व्यवसाय है, ट्रेड है, जो व्यापार है, आपसी सहयोग संगठन के लिए बनाया है, आपसी सहयोगी के लिए बनाया, संगठन बनाया है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं सार्क। ठीक है, इस सार्क में आते हैं 8 देश। ठीक है, 8 देश आते हैं इसमें, कौन कौन आते हैं हम लोग देखे थे प्रीवियस वीडियो में, फिर भी हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है मालदीव। ठीक है, मालदीव, उसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका दूसरा हो गया, तीसरा इंडिया, इंडिया, चौथा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, देखिए कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 जो कंट्री हैं ये सार्क में आते हैं। सार्क, इसे आप एटलस में देखकर
मैपिंग में देख देख के पढ़ें और उसका लोकेशन देखें, माइंड में सेटअप करें, ठीक है। इरटनेस नहीं हो पाएगा, मैप पे लोकेशन देखें और समझ समझ कर, ठीक है। रटनेस नहीं हो पाता, ठीक है। ए सार्क हो गया। सार्क कुछ बातें हम लोग और देख लेते हैं। जो सार्क है इसमें 8 देश देख लिए हम लोग, इसकी लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। एक बार लोकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आपका मालदीव है, ये आपका मालदीव, मालदीव इंडियन ओशन में रहिए यहाँ पे, ठीक है। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 8 कंट्री हैं, ठीक है। हम लोग 8 कंट्री देखेंगे। इससे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मालदीव, ठीक है। अब मालदीव से स्टार्ट करने से पहले जब हम लोग सार्क पढ़ रहे थे, सार्क में एक चीज़ आप बता देते आप लोग को कि इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, इसका मुख्यालय जो है सार्क की, इसकी मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, काठमांडू। ये काठमांडू कहाँ है? नेपाल, ठीक है, नेपाल। इसकी जो स्थापना ना 1985 में की गई थी, 1985 इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, और इसमें 8 देश हैं, ठीक है। इतना में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए सार्क में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सार्क देश स्टार्ट किए हैं, इसमें सार्क में हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं मालदीव, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मालदीव। यहाँ मैप में आते हैं, मैप में देखिए मालदीव कहाँ है, ये रहा आपका मालदीव, मालदीव यहाँ देखिए, ये आपका मालदीव है, इसकी राजधानी माले है। जिस प्रकार पहले स्टार्ट करते हैं मालदीव, ठीक है, ये मालदीव, मालदीव। अब देखिए जिस प्रकार हमारे 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थलबद्ध है, उसी प्रकार हमारे 2 जलीय क्षेत्र से घिरे हुए हैं पड़ोसी देश हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोकेशन देखिए, ठीक है, यहाँ पे लोकेशन देखिए, स्थलीय भाग, ठीक है, स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है, स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने हो गए? 7। 7 हमारे स्थलबद्ध, स्थलबद्ध 7 पड़ोसी देश हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो जल क्षेत्र से घिरे हुए हैं, जो जलीय हैं, जो पड़ोसी देश हैं हमारे 2 हैं, एक मालदीव और दूसरा श्रीलंका, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे 7 पड़ोसी देश हैं, जैसे हमारे 7 पड़ोसी देश हैं स्थलबद्ध, कौन से हैं? स्थलबद्ध, ठीक है। स्थलबद्ध में कौन कौन बताया आपको? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अरे कौन छूट गया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। देखिए हो गया, और एक बच गया आपका म्यांमार, ठीक है। एक सातवां कौन आता है? म्यांमार। ये हमारे 7 पड़ोसी देश है जो स्थलबद्ध है। उसी प्रकार हमारे 2 हैं जो जलीय हैं, जो जलीय हैं, जलीय में आते हैं 2। पहला आता है, पहला मालदीव और दूसरा श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अब हम लोग आगे आते हैं। जैसे हम लोग देख रहे थे मालदीव, ठीक है, मालदीव एक छोटी छोटी से देश है, ठीक है, मालदीव एक छोटा सा देश है, और इस इसमें कोई ऐसा कोई खास नहीं है, बस ये देश है ना, इसकी राजधानी कहाँ है, माले, माले है। और यहाँ का जो मेन जो इकोनॉमी का जो है, ग्रोथ का है, मेन जो इसमें आता है, इसमें मेन आता है पर्यटन से, आता है पर्यटन से, यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते रहते हैं, घूमने के लिए आते हैं, ठीक है, मालदीव, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं मालदीव, हम लोग श्रीलंका आते हैं, मालदीव के बाद आते हैं श्रीलंका। यहाँ देखिए, ये रहा श्रीलंका, श्रीलंका, यहाँ देखिए, ये रहा इंडिया, इंडिया का ये तमिलनाडु एरिया रहा, अरे श्रीलंका रहा। इंडिया और श्रीलंका के बीच में, आपस में बीच में, यहाँ पे पड़ता है पाक स्ट्रेट, एक जलसंधि है, उसे क्या कहते हैं, पाक, PALK, पाक स्ट्रेट, स्ट्रेट, ठीक है, क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट, मतलब पाक जलसंधि, जल संधि, इसे कहते हैं पाक जलसंधि कहते हैं, ठीक है। अब पाक जलसंधि किसे किसे जोड़ता है, तो यहाँ आप देखेंगे पाक जो जलसंधि है, यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी इधर है, बंगाल खाड़ी है, और यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी, कौन सी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को, ठीक है, आपस में जोड़ता है पाक स्ट्रेट, ठीक है, यही पाक स्ट्रेट है। यहाँ पे देखिए, ये पाक स्ट्रेट हुआ, पाक स्ट्रेट, आगे देखिए पाक स्ट्रेट, अब यहाँ देखिए, ये है, ये जो छोटा जगह दिख रहा है, ये है आदम ब्रिज जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आदम ब्रिज, क्या है, आदम ब्रिज, ठीक है, जिसे राम सेतु ब्रिज भी कहते हैं, राम सेतु ब्रिज है, आदम ब्रिज या फिर राम सेतु ब्रिज है, ठीक है। इसमें क्या, भगवान जो राम है, जब माता सीता का पता लगाने के लिए इसी ब्रिज से आए थे यहाँ पे, ठीक है, जो ब्रिज बनाए थे श्रीलंका आने के लिए, वही ब्रिज है आदम ब्रिज, ठीक है। और इनके बीच में आता है हमारा पाक स्ट्रेट, जलसंधि है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं श्रीलंका, ठीक है, अब श्रीलंका का ओवरव्यू देखते हैं हम लोग, ठीक है, आगे श्रीलंका देखिए, श्रीलंका का हम लोग एक ओवरव्यू बनाते हैं मैप, उसमें देखते हैं। श्रीलंका का जो आकार है, शेप है, एक आंसू की तरफ, आंसू की तरह, ये रहा, ठीक है। यहां देखिए, ये इधर इंडिया है, ठीक है, आपस में आदम ब्रिज यहाँ पे है, पाक स्ट्रेट है, ठीक है, राम सेतु ब्रिज है, जिसको कहते हैं राम सेतु, राम सेतु या फिर आदम ब्रिज, आदम ब्रिज, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए, श्रीलंका है, मैप सही नहीं बन पाया, बट ओवरव्यू देख लीजिए, ठीक है, ये श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका का जो ऊपरी बिंदु है, ऊपरी बिंदु है, ये ऊपरी बिंदु है, इस ऊपरी बिंदु को कहते हैं, सबसे ऊपरी बिंदु को कहते हैं पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो, ठीक है, श्रीलंका की सबसे ऊपरी बिंदु को कहते हैं पॉइंट पेड्रो, ठीक है। अब देखिए, श्रीलंका
को एक डिवाइड करता है, बीच में एक दर्रा है, ठीक है, श्रीलंका को बीच में डिवाइड करता है, वहाँ पे एक दर्रा है, वो दर्रा का नाम क्या है? एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा दर्रा, ठीक है, जो एलिफेंटा दर्रा है, ठीक है, वो श्रीलंका को अलग करता है, डिवाइड करता है, एलिफेंटा दर्रा है वो श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है, एलिफेंटा दर्रा वो ऊपरी भाग है श्रीलंका के, जो ऊपरी भाग जो नॉर्थ में है, इस भाग को कहते हैं हम लोग जाफना, जाफना, श्रीलंका का ऊपरी भाग जो है उसे हम लोग कहते हैं जाफना, एलिफेंटा दर्रा के ऊपर के भाग जो नॉर्थ भाग में है उसे कहते हैं जाफना, ठीक है। और जो एलिफेंटा दर्रा है यह जाफना को श्रीलंका से मुख्य, श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है, एलिफेंटा दर्रा है वो जाफना को श्रीलंका की मुख्य भूमि से अलग करता है, कौन करता है? एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा पास, पास मतलब दर्रा होता है, ठीक है। अब देखिए अभी वर्तमान में बात करें, वर्तमान में श्रीलंका की जो राजधानी है, ठीक है, उसकी राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम, ठीक है, तो श्री वो जयवर्धनपुरम यहाँ पे मैप में है, देखिए है ना, श्री जयवर्धन पुरम, ठीक है, ये यहाँ इसकी राजधानी है, ठीक है। इससे पहली राजधानी, अभी जो प्रेजेंट में राजधानी है श्री जयवर्धन पुरम, इससे पहले राजधानी कहाँ थी? कोलंबो, कोलंबो यहाँ है, इससे पहले राजधानी कहाँ थी? कोलंबो, ठीक है, पूर्व राजधानी से कोलंबो थी। इससे पहले कोलंबो से भी राजधानी पहले इसकी क्या थी? कैंडी, कोलंबो से पहले भी इसकी राजधानी कहाँ थी? कैडी। तो श्रीलंका है, श्रीलंका की जो राजधानी है उससे पहले भी इसकी राजधानी कहाँ थी? कैडी, ठीक है, कहाँ थी? कैडी, ठीक है। और उसके बाद कोलंबो हुआ, उसके बाद फिर वर्तमान समय में भी कौन है? श्री जयवर्धनपुरम है, ठीक है। और इसकी जो शेप है किस टाइप की है? आंसू, आंसू, ठीक है, जो श्रीलंका का शेप कैसा है? आंसू टाइप की है, ठीक है। अब देखिए इंडिया के लोग जो है ना वो मैक्सिमम चाय पीते हैं, ठीक है, तो चाय का निर्यात भी करते हैं और पीते भी ज़्यादा, खपत भी कर देते हैं, ठीक है, बट श्रीलंका वाले ना चाय कम पीते हैं और निर्यात ज़्यादा करते हैं, तो श्रीलंका जो है वो चाय का निर्यात अधिक करता है, चाय, चाय का निर्यात, ठीक है, ये चाय का निर्यात करता है, ठीक है। अब देखिए भारत मैक्सिमम देश किसी न किसी देश का गुलाम रहा है, ठीक है, किसी न किसी देश का गुलाम रहा है, ठीक है, वैसे देखिए तो श्रीलंका भी किसी के गुलाम तो रहा होगा, ऑफकोर्स सी बात है, तो श्रीलंका ब्रिटेन का गुलाम था, श्रीलंका जो है ब्रिटेन का गुलाम था, किसका गुलाम था? ब्रिटेन का, ठीक है, तो श्रीलंका ब्रिटेन का गुलाम था, यह 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ, 4 जनवरी 1948 को ये स्वतंत्र हुआ ब्रिटेन से, ठीक है। ये जो श्रीलंका है, ठीक है, वो हिंद महासागर में, कहाँ है? हिंद महासागर में था, ठीक है, तो इंडियन ओशन है, इसलिए इसे हिंद महासागर की मोती कहते हैं, इसे हिंद महासागर की मोती कहते हैं, ठीक है, हिंद महासागर की इसे मोती कहते हैं, हिंद महासागर की, हिंद महासागर की, ठीक है, हिंद महासागर की इसे मोती कहते हैं, हिंद महासागर में, ठीक है। अब देखिए ये जो एलिफेंटा पास है, एलिफेंटा पास के बिल्कुल नज़दीक से, यहाँ से इसके पास से, यहाँ से एक नदी निकली है, ठीक है, जो जाके फिर कहाँ गिरती है? इंडियन ओशन में, ठीक है, हिंद महासागर में, ठीक है। ये जो नदी है ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, इस नदी का नाम है महावली गंगा, इस नदी का नाम है
महाबली, महावली गंगा, महाबली गंगा, ठीक है, इसके कहते हैं महाबली गंगा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके साउथ भाग में श्रीलंका का ऊपर नॉर्थ हो गया, नॉर्थ में वो सबसे ऊपरी बिंदु हो गया पॉइंट पेड्रो, ठीक है। अब साउथ में आएंगे तो साउथ में यहाँ पे नीचे में एक यहाँ पे एक बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह है बताइए, हम्बनटोटा, हम्बनटोटा बंदरगाह, हम्बनटोटा बंदरगाह है, ठीक है, ये हम्बनटोटा बंदरगाह है, बंदरगाह है, हम्बनटोटा ये बंदरगाह है, ठीक है। इसे विकसित किया है किसने, चाइना ने किया है, जो चाइना है ना इसे विकसित किया है और उसे कंट्रोल में है, हम्बनटोटा बंदरगाह किसके कंट्रोल में है, चाइना के कंट्रोल में है, इसे चाइना कंट्रोल में रखा है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए ये जो जाफना है, ये जाफना ऊपरी भाग को हम लोग जाफना कहते हैं, श्रीलंका के ऊपरी भाग को हम जाफना कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जाफना, श्रीलंका के ऊपरी भाग को कहते हैं हम लोग जाफना, ये जाफना है, ठीक है। यहाँ पे पहले, ठीक है, बहुत पहले इस यहाँ पे जो जाफना है वहाँ पे एलटीटी का, यहाँ पे एलटीटी थे, ठीक है, क्या थे, एलटीटीई है ना, यहाँ पे एलटीटी लिट्टे, ठीक है, इसको कहते हैं लिट्टे है ना, ये तमिल थे, ठीक है, तमिल जनजाति, ठीक है, ये है लिट्टे, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है, 1976 में वहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ पे जाफना में, जाफना में एलटीटी थे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है लिबरेशन, लिबरेशन, लिबरेशन टाइगर्स, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इलम इसे कहते हैं लिट्टे, ठीक है, जो कब कब थे, 1976 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर श्रीलंका के बारे में हम लोग देखें, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, श्रीलंका में हम लोग क्या देखें, श्रीलंका के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें कि इसका जो आकार है श्रीलंका के कैसा है, आंसू का साइज, क्या है, आंसू, ठीक है। एक इसका गुलाम था, तो ब्रिटेन का गुलाम था, ये चार जनवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ, ठीक है। इसे हिंद महासागर के मोती कहते हैं, इंडियन ओशन में बिल्कुल मोती के जैसा दिखता है, ठीक है, इसे हिंद महासागर के मोती कहते हैं, ठीक है। इसकी वर्तमान राजधानी भी है श्री जवर्धनपुरम है, इससे पहले कहाँ थी, कोलंबो, और कोलंबस पहले राजधानी कहाँ थी, केडी, ठीक है। अभी तो फिलहाल तीन राजधानी हो चुकी है श्रीलंका की, ठीक है, तो वर्तमान में भी श्री जवर्धनपुरम है, ठीक है। श्रीलंका के सबसे ऊपरी जो बिंदु है उसे कहते हैं पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो। श्रीलंका को दो भागों में डिवाइड करता है एलिफेंटा दर्रा, दो भागों में डिवाइड करता है, तो ऊपरी भाग को कहते हैं जाफना, ऊपरी भाग को कहते हैं हम लोग जाफना, जहाँ पे एलटीटी का प्रभुत्व था, कब, 1976 में, एलटीटी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिटे, ठीक है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी नदी कौन सी है, महावली गंगा, महावली गंगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी बंदरगाह है, हम्बनटोटा बंदरगाह, जिसे किसने बनवाया है, चाइना ने बनाया है, इस पर कंट्रोल किसकी है, चाइना के ही कंट्रोल है, ठीक है। इतना सफिशियंट है श्रीलंका के बारे में, ठीक है। और ये क्या है, चाइनीज निर्यातक देश है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट कंट्री में आते हैं, इंडिया, ये अपना रहा इंडिया, ये इंडिया है, चलिए इंडिया हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी अलग अलग जो कंट्री हैं उनको देख लेते हैं,
भारत जब इंडियन पढ़ेंगे, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मैपिंग करेंगे, उस समय हम लोग पढ़ लेंगे इंडिया का हर एक एक स्टेट पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तभी इंडिया हम लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हम लोग आते हैं पाकिस्तान में, ए पाकिस्तान, पाकिस्तान यहाँ देखिए, पाकिस्तान है वो बॉर्डर शेयर कहाँ करता है, इंडिया से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है ऐसे, यहाँ देखिए इंडिया से शेयर कर रहा है, ये रहा कराची, ये फिर शेयर कर रहा है ईरान से, फिर अफगानिस्तान से, ठीक है अफगानिस्तान से कर रहा है, फिर ये चाइना से, ठीक है ताजिकिस्तान से नहीं कर रहा है, ताजिकिस्तान से अलग जा रहा है, ठीक है यहाँ बीच में आ जा रहा है, अफगानिस्तान आ जा रहा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं पाकिस्तान, ठीक है कि पाकिस्तान क्या है, ठीक है। तो पाकिस्तान या जो देश है ना, यहाँ पे नहरों का जाल बिछा है, ठीक है, यह देश नहरों का देश है, या नहरों का देश है, ठीक है। इसने 1956 ईस्वी में, 1956 में इसने स्वयं को अपना, अपने आप को इस्लामिक देश घोषित कर लिया। पाकिस्तान ने 1956 ईस्वी में इसने अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित किया, ठीक है। अब यहाँ देखिए पाकिस्तान में एक है जगह है अवोटाबाद, आप मैप पे देखिए, ठीक है यहाँ पे एक जगह है अवोटाबाद, अवोटाबाद, ठीक है वहाँ पे अवोटाबाद है, यहीं पे अवोटाबाद में ही 2 मई 2011 को, 2 मई 2011 को लादेन को, जो लादेन था, ठीक है उसे लादेन को अमेरिका के फोर्स ने, ठीक है अमेरिका के फोर्स ने, अमेरिका ने, ठीक है अमेरिका ने इसे यहीं पे अबोटाबाद में 2 मई 2011 को यहीं पे मारा था, पाकिस्तान के अंदर घुस के उसे मारा था अबोटाबाद में, ठीक है 2 मई 2011 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए उसका फिर यहाँ पे एक पाकिस्तान में एक तकसीला विश्वविद्यालय, तकसीला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय तकसीला विश्वविद्यालय, ठीक है तकसीला विश्वविद्यालय कहाँ पाकिस्तान में, प्राचीनतम विश्वविद्यालय जिसे राजा तक्ष ने बनवाया था कहाँ पाकिस्तान में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पेशावर, ये पेशावर भी कहाँ है, पाकिस्तान में है, पेशावर पाकिस्तान में है। यह जो पेशावर फेमस क्यों है, क्योंकि ये क्या है एक गलत कामों से फेमस है, ठीक है अच्छे कामों से फेमस नहीं है पाकिस्तान, गलत कामों से फेमस है। जिससे पाकिस्तान में पेशावर है, यहाँ पे स्कूल पर आतंकी हमला किया गया था, स्कूल पर आतंकी हमला किया गया था और गैरकानूनी रूप से कार्यरत हथियारों का बाजार चलता है, ठीक है ये पेशावर में, ठीक है तो गलत कामों से फेमस है, ठीक अच्छे कामों के लिए फेमस नहीं है। नेक्स्ट जैसे पेशावर हो गया, ठीक है पेशावर के बाद आगे बढ़ते हम लोग, पेशावर के बाद आता है लाहौर, ठीक है पेशावर के बाद आता है लाहौर, ठीक है लाहौर, लाहौर तो आप लोग नाम सुनेंगे फेमस है लाहौर, लाहौर में क्या है कि उसमें विमान हाईजैक किया गया था टेररिस्ट के द्वारा, आतंकियों के द्वारा, इसमें से जो नेपाल की त्रिभुवन हवाई अड्डा है, कहाँ पे नेपाल, ठीक है नेपाल में यहाँ पे, यहाँ से इन्होंने हाईजैक किया था, उस विमान का नाम था IC-814, इसे आतंकियों ने नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डा से हाईजैक किया था, अपहरण किया था और इसे कहाँ उतरवाया था लाहौर में, ठीक है
इसे कहाँ ले गया था? लाहौर ले गया था। ठीक है, अब आगे आते हैं, लाहौर हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाहौर के बाद ये पाकिस्तान है ना, मैप में देखिए पाकिस्तान है। पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने के लिए, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने के लिए इधर से यहाँ पे दो दर्रे हैं। ठीक है, कौन सा दर्रा है? दर्रा यहाँ पे कौन सा पर्वत है? हिंदुकुश पर्वत। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत। तो इसके बीच में दो दर्रे हैं जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने के लिए दो दर्रे हैं। ठीक है, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। नहीं देखिए, दो दर्रा हैं अफगानिस्तान जाने के लिए, खैबर दर्रा। ठीक है, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा, दो दर्रा जाने के लिए। कहाँ? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कहाँ से? पाकिस्तान से अफगानिस्तान के लिए दो दर्रा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ फेमस है अफगानिस्तान में, वो है मुल्तान। मुल्तान एक वहाँ पे जगह है, मुल्तान ये जगह फेमस है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होती है, चीनी मिट्टी के बर्तन होती है उसके लिए फेमस है, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। तो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए ये मुल्तान फेमस है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें देखते हैं कि जकोवाबाद, जकोवाबाद, जकोवाबाद ये भी फेमस है। अब क्यों फेमस है हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो जकोवाबाद है ना, ये विश्व का सबसे दूसरा गर्म स्थल है। विश्व का, विश्व का, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व का सबसे, विश्व का दूसरा, सेकेंड, सबसे गर्म स्थल, सबसे गर्म स्थल है। ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है? 56 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस। जकोवाबाद का यहाँ का टेम्परेचर कितना है? 56 डिग्री सेल्सियस, जो विश्व का सबसे दूसरा गर्म स्थल है। ठीक है, अब जब बात है कि हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व का सबसे दूसरी गर्म स्थल है, तो पहली कौन सी है? ठीक है, पहली कौन सी है ये भी हम लोग देखते हैं कि विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा है, फर्स्ट कौन है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहला अगर बात करें फर्स्ट विश्व का, ठीक है, गर्म स्थल, तो गर्म स्थल में आता है अल अजीजिया, अल अजीजिया, अजीजिया। ठीक है, ये अल अजीजिया विश्व का सबसे गर्म स्थल। ठीक है, विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? अल अजीजिया। तो ये अल अजीजिया कहाँ पे है? ये है लीबिया में। कहाँ है? लीबिया। ठीक है, जब पता होगा लीबिया में है, अब ये पता करें कि लीबिया कहाँ है। तो लीबिया कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, अब देखिए सबसे गर्म स्थल कौन सा है? अल अजीजिया। ठीक है, और कहाँ पे है? लीबिया में। और लीबिया कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, और यहाँ का लीबिया जो है, ठीक है, लीबिया की जो राजधानी है वो क्या है? त्रिपोली, त्रिपोली। और यहाँ का जो मुद्रा है, मुद्रा क्या बताइए? यहाँ का मुद्रा है लीबियन दिनार, लीबियन दिनार। ठीक है, हम लोग देख लिए लीबिया कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, और इसकी जो लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। इसकी मुद्रा क्या है? लीबियन दिनार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लिए सबसे गर्म स्थल कौन सा है? अल अजीजिया, अल अजीजिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे बात है, अभी देख रहे हैं हम लोग अल अजीजिया जो लीबिया में है। ठीक है, वो 13 सितंबर 1922,
13 सितंबर 1922, 1922 की बात हो रही है। तो 13 सितंबर 1922 की बात है, इसकी टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया था वहाँ का, सबसे हाईएस्ट, ठीक है। और ए 1922 से लेकर 2012 तक सबसे गर्म स्थल रहा, गर्म स्थल रहा, ठीक है, तक, ठीक है, मतलब 1922 से लेकर 2012 तक ये सबसे गर्म स्थल रहा। कौन सा? अल अजीजिया, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ पे गर्म स्थल था 2012 तक, तो अब तो कोई और होगा, तक था, अब कोई और हो गया, ठीक है। तो कौन सा है? वर्तमान में, मतलब अभी वर्तमान में है। और कब से है? 2013 से वर्तमान तक, अभी तक चेंज हो गया है। कौन है? आ गया है डेथ वैली, ठीक है। कौन सा? डेथ वैली। डेथ वैली का सबसे गर्म स्थल है, वहाँ का टेम्परेचर सबसे अधिक है। तो डेथ वैली कहाँ है? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया, ठीक है। अब बात की कैलिफोर्निया कहाँ है, तो यूएसए में, ठीक है, यूएसए में, ठीक है। तो 2013 से भी वर्तमान में सबसे गर्म स्थल कौन सा है? डेथ वैली, कैलिफोर्निया, ठीक है। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए, जो भारत में मरुस्थल है, थार मरुस्थल, कौन सा स्थल? थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल का जो भाग है वो कुछ भाग पाकिस्तान में भी गया है, कुछ भाग पाकिस्तान में गया है। कहाँ गया है? पाकिस्तान में। तो जो थार मरुस्थल का जो भाग पाकिस्तान में है, उसे पाकिस्तान वाले लोग क्या कहते हैं? चौलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? चौलिस्तान, इसे चौलिस्तान कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। एक बार फिर भी मैं एक बार रिवाइज फिर करवाता हूँ, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पाकिस्तान के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान, यहाँ देखिए, पाकिस्तान यहाँ से अबोटाबाद में पढ़ें, अबोटाबाद पढ़ें, ठीक है। तक्सिला देख लिए, तक्सिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में, पेशावर देख लिए, लाहौर देख लिए, ठीक है। वहाँ के दो रास्ते हैं अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान से, खैबर दर्रा देख लिए, गोमल दर्रा देख लिए, ठीक है। मुल्तान वहाँ फेमस है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। फिर जकोआबाद फेमस है, क्यों है? सबसे विश्व का सबसे दूसरा गर्म स्थल है, जो 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ का है। और फर्स्ट पहला जो विश्व का सबसे गर्म स्थल है, अल अजीजिया है, जो लीबिया में है, नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देख लिए कि अभी वर्तमान कौन सा है, डेथ वैली है, जो कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में, ठीक है। और जो थार मरुस्थल जो भारत में गया, भारत से जो पाकिस्तान में गया है, कुछ भाग पाकिस्तान में है, उसे पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चौलिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान में उसे चौलिस्तान कहते हैं, ठीक है। ये रहा डेथ वैली, कैलिफोर्निया, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। हम लोग कौन कौन से पढ़ लिए? मालदीव पढ़ लिए, या मैप में आते हैं, ठीक है। मैप में देखिए, मैप में हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग मालदीव देख लिए, श्रीलंका देख लिए, भारत के बाद में देखेंगे, पाकिस्तान हो गया। अब आते हैं हम लोग अफगानिस्तान, ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे हम लोग अब? अफगानिस्तान, ठीक है, कि अफगानिस्तान जो सार्क कंट्री में है ना। अब अफगानिस्तान के बारे में पढ़ेंगे कि अफगानिस्तान में क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान ये जो एक देश है, अफगानिस्तान, यहाँ पे एक गोल्डन ट्रायंगल है, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल आपस में मिल बनाते हैं तीन देश, ठीक है। कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान,
ये आपस में तीन देश हैं जो आपस में क्या बनाते हैं, ट्रेंगल बनाते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग गोल्डन ट्रेंगल, गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। आपस क्या बना रहे हैं, गोल्डन ट्रायंगल। अब गोल्डन ट्रायंगल क्या है कि गोल्डन ट्रायंगल ये अफीम के लिए, ठीक है, अफीम के लिए ये फेमस है, ठीक है। आपस में ये तीनों अफीम के कारोबार करते हैं, ठीक है, इसलिए इसे गोल्डन ट्रायंगल कहता है आपस में तीनों, ठीक है। अफगानिस्तान एक देश जो है ना, यह एक देश है अफगानिस्तान, यह अफीम के लिए फेमस है। और गोल्डन ट्रायंगल भी तीन जो है, गोल्डन ट्रायंगल में तीन देश है, ईरान, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये क्या है, अफीम के लिए, ठीक है, किसके लिए, अफीम के लिए, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे थे अफगानिस्तान, अभी हम लोग देख रहे हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है यह अफीम उत्पादन के लिए फेमस है, अफीम उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। इसकी जो राजधानी है, अफगानिस्तान की जो राजधानी है क्या है, काबुल है। इसकी जो राजधानी है क्या है, काबुल। अब देखिए इसकी राजधानी काबुल, ठीक है। और यहाँ का जो संसद भवन है, अब देखिए भारत कितना दूसरे देशों के हेल्प करता है, मदद करता है। अफगानिस्तान का जो वहाँ का संसद है, ठीक है, संसद भवन है, ठीक है, वहाँ का संसद, संसद भवन जो है वहाँ का, ठीक है, तो संसद की बात नहीं है, वहाँ के संसद भवन की बात हो रहा है, ठीक है। तो अफगानिस्तान का जो संसद भवन है उसे इंडिया ने बनवाया, ठीक है। संसद भवन जो है, सवन संसद भवन है, उसे भारत ने बनवाया, ठीक है, भारत ने बनवाया इसको, ठीक है। अब देखिए भारत ये काम नहीं किया है, इसके साथ क्या क्या काम किया है बता रहे हैं, ठीक है। इसके साथ देखिए क्या किया, भारत जो है अफगानिस्तान में संसद भवन बनवाने के साथ साथ में वहाँ पे एक बांध बनवा रहा है, ठीक है। उस बांध का नाम क्या है बताइए, उस बांध का नाम है सलमा बांध, वेरी गुड। क्या नाम है, सलमा बांध, सलमा बांध अफगानिस्तान में है, ठीक है। जो को बना रहा है, इंडिया बना रहा है इसमें, भारत इसे बना रहा है कहाँ पे, अफगानिस्तान में सलमा बांध, ठीक है। अभी सलमा बांध क्या है, देखिए सलमा बांध है जून 2016 में, जून 2016 में, ठीक है, 2 जून 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कौन, मोदी, ठीक है, ये वहाँ पे उद्घाटन करते हैं, ठीक है। किन के साथ में, तो वहाँ के अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, अशरफ गनी ये कौन है, वहाँ के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हैं, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। एक कब उद्घाटन करते हैं, जून 2016 में, ठीक है। और इसका जो निर्माण किया गया है, इसका जो निर्माण किया गया है सलमा बांध का, ये कहाँ किया गया है, वहाँ का हेरात प्रांत, वहाँ का प्रांत का नाम है हेरात प्रांत, ठीक है, अफगानिस्तान में है हेरात प्रांत, ठीक है। हेरात प्रांत के अंतर्गत वहाँ पे एक जिला है, कौन सा है, चिश्त ए शरीफ, चिश्त ए शरीफ, चिश्त ए शरीफ वहाँ पे जिला है, ठीक है। हेरात प्रांत के अंदर चिश्त ए शरीफ वहाँ पे जिला है, उस जिले में एक नदी बहती है, ये क्या है, नदी, ठीक है। उस नदी का नाम है हारी नदी, कौन सी नदी है, हारी नदी, ठीक है। इस हारी नदी पे सलमा बांध का उद्घाटन जून 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा, ठीक। अब इसका जो लागत राशि है इस परियोजना का है वो 1700 करोड़ रुपये, इस लागत कितनी है, 1700 करोड़ रुपये,
ठीक है, इसकी लागत राशि है, ठीक है, इसकी जो लागत राशि है, इसकी राशि है, ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है। ये बन ही रहा था कि एक साल बाद जून 2017 में, जून 24 जून है, ठीक है, तो 24 जून 2017 में, 16 में तो उसका उद्घाटन किया गया बनाने का, ठीक है। जून 24 जून 2017 को अफगानिस्तान जो है, ठीक है, उसकी पश्चिमी हिस्सा में, देश के पश्चिमी हिस्सा में जो हेरात प्रांत में, जहाँ पे चिश्त ए शरीफ जिले में हारी नदी पे बनाया जा रहा था सलमा बांध, उसकी चेक पॉइंट पे, हेरात प्रांत की जो चेक पॉइंट है, ठीक है, वहाँ पे तालिबान आतंकियों के द्वारा हमला किया गया, तालिबान आतंकियों के द्वारा, हमला किया गया, ठीक है। इस हमले में 10 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई, ठीक है। अब जहां भारत उसे 1700 करोड़ रुपए मिला लगाकर लागत से बना रहा है, वहां पे तालिबान आतंकियों से बर्बाद करने लगे पड़े, ठीक है, क्या देश का तरक्की होगा, ठीक है। आगे आइए, ये जो सलमा बांध जो बन रहा है, ये 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई है, 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी अधिक है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 540 मीटर है, ठीक है। और ये जो बांध बन रहा है सलमा बांध, यह बांध जो सलमा बांध बन रहा है, यह हेरात प्रांत में 75,000 हेक्टेयर, अब देखिए यहाँ पे 75,000 हेक्टेयर में ये क्या करेगा, भूमि को सिंचित करेगा, ठीक है, मतलब सिंचाई के लिए भी काम होगा, ठीक है। तो एक बांध बनने से कितना फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे कितना फ़ायदा हो रहा है, सिंचाई भी हो जा रहा है, और इसके साथ में सिंचाई के साथ में वहाँ पे विद्युत उत्पादन किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और विद्युत जो उत्पादन किया जाएगा वो 42 मेगावाट, ठीक है, वहाँ पे 42 मेगावाट उसके साथ बिजली उत्पादन भी किया जाएगा, ठीक है, बिजली उत्पादन किया जाएगा। ये रहा अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान हम लोग क्या क्या देख लिए, यहाँ पे देख लिए जो सलमा बांध, ठीक है, सलमा बांध जो बनाया जा रहा है उसका उद्घाटन किया गया था भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जून 2016 में, ठीक है, वहाँ पर जून 2016 में किसके साथ में, वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ में, कहाँ पे, हेरात प्रांत में, वहाँ पे कौन सा प्रांत है, हेरात प्रांत, ठीक है, एरा हेरात प्रांत, हेरात प्रांत के चिश्त ए शरीफ, वहाँ का एक जिला है, ठीक है। और किस नदी पे, हारी एक नदी है, नदी के नाम है, वहाँ पे 1700 करोड़ रुपया लागत के साथ भारत के द्वारा वो बनाया जा रहा है सलमा बांध, ठीक है, उस पर लोग आतंकी हमला करते हैं तालिबान के लोग, है ना, फिर उसमें 10 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो जाती है, ठीक है, ये रहा सलमा बांध, ठीक है, हम लोग देख लिए सलमा बांध देख लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अफगानिस्तान में फिर क्या है, ठीक है, अफगानिस्तान में एक जगह है, हम लोग नाम सुनेंगे कंधार, वहाँ पे जगह कौन सा है, कंधार, ठीक है, कंधार है, ये अफगानिस्तान की दूसरी राजधानी है, अफगानिस्तान की सेकेंड राजधानी है, ठीक है, पहली राजधानी उसकी कौन सी है, अफगानिस्तान की काबुल है, पहली कौन सी है, काबुल है, और दूसरी कौन सी है, कंधार है, ठीक है, कौन सी है, काबुल, पहली काबुल और दूसरी कंधार, ठीक है। अब देखिए यहीं पे जो अफगानिस्तान है, यहीं पे एक जगह का नाम है गजनी, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे, यहाँ पे कौन सी जगह है, गजनी, अब देखिए मोहम्मद जो गजनवी था, वो यहीं का था, अफगानिस्तान में जगह कौन सा है, गजनी, यहीं में, यहीं का तो कौन था, मोहम्मद गजनवी, यही क्या था, ठीक है।
जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, इसने कितना बार किया था, 17 बार आक्रमण किया था इसने भारत पे, 17 बार आक्रमण किया ये भारत पे किया। ये तो 15 बार ऐसा किया कि उसको कुछ हाथ लगा नहीं, ठीक है, 15 बार हाथ कुछ लगा नहीं, ठीक है, बट इस 16वें बार में जब आक्रमण किया ना, कब, 16वें बार में 1025 ईस्वी में, ठीक है, 16वां आक्रमण किया, ठीक है, 16वां आक्रमण में क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया लूटने में। 15 बार में तो हार जा रहा था, ठीक है, 16वें बार में तो 1025 ईस्वी में सक्सेसफुल हो गया। 1025 ईस्वी में 16वां का जब आक्रमण कर रहा था, उसी टाइम भारत में एक फेमस है गुजरात का सोमनाथ मंदिर इसे लूट ले गया था। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात में, ठीक है, इसे लूट गया था। 16वां आक्रमण किया और जो बच्चा खोचा फिर 17वां आक्रमण किया, फिर दोबारा आया, फिर लूट के ले गया, है ना। ये था मोहम्मद गजनवी, ठीक है, एक गजनी हो गया। उसके बाद फिर आता है जगह, नाम है बामियान, अफगानिस्तान में एक जगह है बामियान, ठीक है, ये भी फेमस है। अब ये फेमस क्यों है, ठीक है, कुछ अच्छे कामों के लिए फेमस होते हैं, कुछ गलत कामों के लिए फेमस होते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ये किसके लिए फेमस है। बामियान में सबसे ऊंची मूर्ति थी भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति थी, बुद्ध की, ठीक है, ये प्रतिमा थी बुद्ध की वहाँ पे। तो ताली बम से उड़ा दिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग अफगानिस्तान में इतने सारे देख लिए, ठीक है, अफगानिस्तान देख लिए, गोल्डन ट्रायंगल देख लिए, ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग क्या क्या देखें, अफगानिस्तान में हम लोग क्या क्या देख लिए, इसमें हम लोग देख लिए गोल्डन ट्रायंगल देख लिए, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल है क्या, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल देख लिए हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ का जो संसद भवन है किसने बनवाया, भारत ने बनवाया। यहाँ का जो सलमा बांध है भारत बनवा रहा है अभी, ठीक है। यहाँ जो गोल्डन ट्रायंगल है क्यों है, मतलब ये अफीम के लिए, और अफगानिस्तान एक जो देश है यह अफीम के लिए उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है, अफीम उत्पादक देश है, ठीक है, ये सलमा बांध बनवा रहा है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर देखें क्या, वहाँ पे कंधार जो है अफगानिस्तान की, वो दूसरी राजधानी है वहाँ की, ठीक है, पहली कौन थी, पहली भी है कौन, काबुल है, फिर दूसरी कौन है उसकी, कंधार है। गजनी जो था वहाँ के, गजनी से था वह मोहम्मद गजनी जो आया था, जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, हाँ आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है, 1025 ईस्वी में वो जो आया था भारत, तो लूट ले गया था, 16वां आक्रमण किया था, फिर उसने 17वां आक्रमण किया, जो बच्चा कुछ था वो भी लूट के ले चला गया, उस किसे लूटा था, सोमनाथ मंदिर को, ये कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। और एक बामियान जगह है अफगानिस्तान में, वहाँ पे भगवान बुद्ध का सबसे ऊंची मूर्ति था, ठीक है, उसे तालिबान आतंकियों ने बम से उड़ा दिया था। ये हो गया अफगानिस्तान, ठीक है। अब इसके बाद फिर जो नेक्स्ट बचा है, जिसमें से हम लोग सार्क में कौन कौन पढ़ लिए, मालदीव देख लिए, श्रीलंका देख लिए, भारत को बाद में देखेंगे, भारत एक बचा, भारत में जब पढ़ेंगे तो अलग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, हम लोग पढ़ेंगे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इसमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेपाल देखेंगे, भूटान देखेंगे और बांग्लादेश, ठीक है, अभी के लिए इतना।